नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल कलेक्टर ने 48 घंटे में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। बैतूल जिले के मुख्य चिकित्सा में एक प्रसूता सारणी निवासी 28 वर्षीय दीपिका तोमर को प्रसूति के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार शाम भर्ती कराई गई प्रसूता के परिजनों के मुताबिक वे तड़पती रही, पर किसी डॉक्टर ने नहीं देखा। सुबह उनसे कहा गया कि प्रसूता दीपिका तोमर का सीजर करना पड़ेगा, जिसके बदले 5,000 रुपये की मांग की गई। प्रसूति वार्ड की डॉक्टर वंदना धाकड़ ने सीजर करने के लिए 5,000 रुपये लिए, जिसके बाद उसका सीजर किया गया। सीजर करने के बाद महिला की हालत बिगड़ती गई और उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया। इसी बीच प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता के परिजनों को जानकारी मिली कि ऑपरेशन के दौरान महिला का बच्चेदानी में कैंची लग गई थी, जिसमें हुई ब्लीडिंग की वजह से मौत हो गई। पीएम के बाद परिजन महिला शव लेकर कलेक्ट्रेट ले गए, जहां उन्होंने जनसुनवाई में कलेक्टर से पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की गुहार लगाई है। जिला कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बेस ने बताया कि उनके पास मृतका के परिजन शिकायत लेकर पहुंचे। इसके लिए सीएमएचओ को निर्देशित किया गया है कि वे 3 सीनियर डॉक्टरों की टीम गठित कर इस पूरे मामले की जाँच कर 48 घंटे में उनके समक्ष रिपोर्ट पेश करें। बैतूल संवाददाता देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट। आपका हमारा सिया भाई नाम है। हम बताओ किसको लेके आए थे और क्या हुआ आपके साथ? बेटी को लेके आए थे। कब? परसों रात के लिए आए हमने। हाँ? गोरा डोंगरी में 2 दिन से थी, उनकी बस का नहीं हुआ। अच्छा। मतलब बच्चादानी नहीं खुल रही। उन्होंने बोला बेटा आप हम वहाँ तक तुमको भर्ती कर देगा, ले जाएगा एम्बुलेंस वाला, हम एम्बुलेंस करके दे रहे हैं। यहाँ सब सामान है, मतलब ऑक्सीजन है, सब चीज है यहाँ पे, हमारे पास में कोई सुविधा नहीं है। नहीं तो उन्होंने हमारी 2 बेटियों को नॉर्मल निपटाया, उल्टी भी थी तो नॉर्मल, वो ये लड़का वो उल्टा है, बोले बच्चा, बोले आप ले जाओ। हम आए भर्ती करने, हमने सुबह ही बोला कि आप ऑपरेशन कर दो भाई, हमारी लड़की स्पष्ट पड़ गई 2 दिन में, कमर दुख रही, उसकी शक्ति नहीं बची, तो इनको करना था सुबह। बोले नहीं नॉर्मल होएगी, बोले जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा तो नॉर्मल कैसे होएगी। फिर इसने बोला हम शाम तक करेंगे। कौन ने बोला ऐसे? शाम डॉक्टर नहीं है, वो जो नीचे बैठती है उस तरफ जहाँ डिलीवरी वार्ड। फिर उसने बोला हम लेके आ रहे, बोले कुछ पैसे की मांग करी थी, 5,000 मांगे, हमने 5,000 दिए हैं, 5,000 रुपए दिए और 5 मिनट भागी वो बोले उसको दे दिया, साथ में रहती है तो बोले उसको दे दो। मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा मैं गरीब भली हूँ और मैंने मेरे बच्चों के खून पसीने के पैसे दूंगी, मगर मैं 1 रुपए कम नहीं करूंगी। तेरे को मुंह मांगे पैसे दिए मैंने, मेरी आज लड़की खड़ी कर दे तो आपसे बाहर से पूरा सामान भिजवाया गया हम ही लोग थे। फिर उसके बाद बोले 5,000 रुपए लगेंगे। फिर हमने जब तक 5 मिनट और रुक जाओ, तो 5 मिनट क्या लेक पैसा हो गया, तो वो ऐसे गई जैसे हमने पता नहीं क्या किया होगा, उसने मेरी बहन का मार डाला। क्या नाम लिया आपका? विजय सिंह ठाकुर। विजय जी बताइए क्या घटना घटी आपको? क्या हुआ, घोड़ा डोंगरी ले रहा अपनी मैसेज को, और उसके बाद वहाँ से रेफर कर दिया जहाँ अपना सारणी, फिर बैतूल, तो बैतूल पे आके सीजर कर दिया हमने, वही सीजर होगा और 5,000 रुपये ले लिए मुझसे। कौन ने लिए? और अपना ढाकरा मैडम। किस बात के लिए? कि भाई सीजर होगा और आपका बच्चा मैंने सही साइड रहेगा और आपकी मैसेज भी सही साइड रहेगी, और उसके बाद करने के बाद बच्चेदानी आया, वो लोग आए मेरे पास कि भाई आपके मिसेज की बच्चेदानी निकालना है, मतलब उसमें तकलीफ हो रही, वो ब्लास्ट हो गई। मैं ठीक है सर, वो उनने बच्चेदानी निकाली, उसके बाद ट्रे में लेके मेरे को दिखाया, ये देखो आपकी बच्चेदानी मिसेज की आपकी निकाल दी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1-1.5 घंटे बाद मेरे को खबर लगी, उन लोगों ने बताया कि आपकी मिसेज की डेट हो गई। बच्चा सही साइड है। क्या चाहते हैं? कंप्लेंट। कहाँ के रहने वाले हैं? हिंगना से, जय हिंगना से, शिवराज सिंह का गांव। वहाँ बगल में रहते हैं जी? कितने दूरी पास में ही है।